पल भर में उजड़ गए बसे हुए आशियाने, जिंदगी भर की पूंजी लुटते हुए देखी। अस्सलाम वालेकुम, स्टे विद अस टीवी के नाजरीन, मैं उमेर सिद्दीकी, सुहेल सिद्दीकी के साथ आज हम मनाने आए मुजाहिद कलोनी की वीडियो, जहाँ ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ पे तारिक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। किस वजह चल रहा है, किस वजह से चल रहा है कि वो नहीं, वजह ये है कि वो नाले पे उन्होंने घर बनाए हुए, आबादी एक बनाई हुई, पूरी बस्ती बनाई हुई। अब कहने का मकसद, 40 साल पुरानी बस्ती थी, कमो बेश 5,000 घर या 7,000 घर या 10,000 घर यहाँ पे तोड़े जा रहे हैं। थोड़ी बहुत हमने वीडियो शूट करके आपको दिखाई है, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि अलाव नहीं था। और दूसरी बात, जो लोग हैं जिनके घर टूटे हैं, जिनका सामान लेके बाहर वो खड़े हुए हैं, वो इंतहाई गम गुस्से में है। हम बस उनसे बात यूँ नहीं कर सके, क्योंकि कहीं ऐसा ना होता उनका गुस्सा हम पे निकल जाता, क्यों बस वो टूटते हुए लूटते हुए देख रहे हैं, घरों का सामान लोग ले लेके जा रहे हैं। अब जिसके पास जो गुंजाइश है तो वो तो किराए पे चले जाएगा, बाकी लोग कहाँ रहेंगे, सड़कों पे रहेंगे, रोडों पे रहेंगे। इंतहाई अफसोसनाक, दर्दनाक मंजर हैं, ये मनाजिर हैं, देख के बड़ा दिल खून के आंसू रहा। और लोग तो लोग इतने गुस्से में, इतने गम में कि कोई हम किसी से बात नहीं कर सकते थे, वरना ऐसा हो सकता था कि उनका गुस्सा हम पे ही निकल जाता, कि वो ये बोल रहे थे कि तुम हमारा तमाशा बना रहे हो। वो हमसे ये कह रहे थे, अब हमने क्या बोले, हम तो लोगों तक आपकी बात पहुंचा रहे हैं, आवाज़ पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। वो गम गुस्से का शिकार है इंतहा, और उनके पास जाहिर सी बात है कोई वसाइल नहीं है। वही कहा ना मैंने, जैसे कि बसा बसाया आशियाना, लम्हों में उजड़ गया, ज़िंदगी भर की कमाई पल भर में लुटते हुए देखी। तो आइए पूरा एक वीडियो थोड़ी बहुत आपको शूट करिए, जो हमने वो दिखाते हैं। और बड़ा अफसोस हुआ, अरबाब इख्तियार जो हैं, अल्लाह किसी के दिल में डाले और इनके लिए कोई वसीला बने, और इनको कुछ ना कुछ ऐसा मामला इनके साथ किया जाए कि इनके लिए थोड़ी आसानी हो, किराए पे चले जाएं, किराया दे सकें, या कि घर इनको प्लॉट दिया जाए, सरयानी में दो, कहीं भी दो, प्लॉट दे दो, वहाँ पे ये आबादी अपनी बनाए। तो खैर बहरहाल आइए देखते हैं, हज़ारों घर टूटते हुए दिखाते हैं आपको कि किस तरह हज़ारों घर और पक्के घर, बने हुए घर, बिल्डिंगें सब टूट रही जा रही हैं। मुजाहिद कॉलोनी से 7 नंबर के पुल तक पूरा ये रोड क्लियर। उसी टाइम जब मुशारत था, जब गुलबाई से लेके भाई हमारे
बोलो अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।